क्यों बाणों से छलनी होने के बाद भी भीष्म पितामह कर सकते थे युद्ध में वापसी? अनगिनत तीर लगने के बावजूद क्या भीष्म पितामह पढ़ सकते थे पांडवों पर भारी? भीष्म जिनका नाम ही काफी था दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए, वो जिसका सामना करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मैदान में उतरना पड़ा, वो जो शायद पढ़ सकते थे पांडवों पर भारी, वो जो बदल सकते थे महाभारत की कहानी, आखिर इन्हीं की बात कर रहे हैं हम आज की इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सबसे जरूरी बात कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। परशुराम शिष्य जिसने खुद अपने गुरु परशुराम से 21 दिन तक युद्ध किया, लेकिन परशुराम भी उन्हें हरा नहीं सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह जिनका असली नाम देवव्रत था और वे कुरु वंश के शासक शंतनु और गंगा देवी के पुत्र थे। भीष्म पितामह अपनी शक्तिशाली व्रतों, त्यागी जीवन शैली और महारथी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, भीष्म पितामह को उनके पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इच्छा मृत्यु के वरदान के बाद भी आखिरकार क्यों भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए? क्या अर्जुन द्वारा चलाए गए अनगिनत बाणों के बाद भी भीष्म पितामह युद्ध में लड़ सकते थे? चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते भीष्म पितामह बाणों की शैया के बाद युद्ध में दोबारा नहीं गए। अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह को जब बाणों की शैया पर लिटाया गया, तब कौरव पूरी तरह से हताश हो चुके थे। भीष्म पितामह का युद्ध से हट जाना मतलब कि कौरवों का पराजय की तरफ बढ़ना, और अर्जुन द्वारा छोड़े गए अनगिनत तीर जब उनके शरीर में लगे तो उनके शरीर में दो उंगली तक की भी जगह नहीं बची थी। भीष्म पितामह जानते थे कि कौरव पक्ष गलत है, क्योंकि जिनकी तरफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध लड़ रहे हो वो पक्ष कभी गलत नहीं हो सकता। तो क्या भीष्म पितामह बाणों की शैया से उठकर युद्ध लड़ सकते थे? तो इसका जवाब है हाँ, वो इतने शक्तिशाली थे कि बड़े से बड़े बाण भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन वो बाणों की शैया से इसलिए नहीं उठे क्योंकि वो जानते थे कि उनका दिन अब नजदीक आ चुका है, और इतना ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें कह दिया था कि अब समय आ चुका है कि आप स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करें। वहीं भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के वक्त उनका मौन रहना उनके जीवन का सबसे बड़ा पाप था। ऐसे में उन्हें एक सुनहरा मौका मिला था कि वो बाणों की शैया से युद्ध से बाहर रहे। तभी तो उन्होंने महाभारत खत्म होने के 58 दिनों के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। बता दे कि वो इतने बलशाली थे कि वो युद्ध में दोबारा भाग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया, तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके शरीर में अर्जुन द्वारा छोड़े गए सभी बाण एक एक करके निकलने लगे। वो इतने बड़े महारथी थे कि युद्ध में फिर से लौट सकते थे, लेकिन धर्म का साथ देने के लिए और पांडवों को विजयी करने के लिए उन्होंने बाणों की शैया से ना उठने का फैसला किया।